गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप आपके घर पे मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। तो लास्ट हमने देखा था, क्लास 7th का हम लोग ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, वो है प्लांट स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। ये सेकेंड चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग ने देखा था सेकेंड वो फर्स्ट रूट के बारे में पूरा हम लोग ने डिटेल में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेम के बारे में और लीफ के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। आई नो मैं पहले वीडियोस मराठी में बनाती थी, तो वो सबको समझ में आती है, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए मैं अभी हिंदी में बना रही हूँ। सो डू शेयर करो वीडियोस को और लाइक भी करो, फिर हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेम आपको पता ही होगा, आपने स्टेम देखा ही होगा। कोई भी आप प्लांट देख लो जो अबव द सॉइल से वो जो ग्रो होती है, वो जो डंडी फॉर्म होती है उसे ही स्टेम बोलते हैं, जो अबव द सॉइल ग्रो होती है और वो सीड से फॉर्म होती है वो स्टेम। अगर आप कोई भी सीड ले लो, आप जब वो सॉइल में उसको सो करोगे और उस पर पानी वगैरह डालोगे, तो उससे वो एक पहले एक फॉर्म होती है, वो स्टेम फॉर्म होती है अबव द सॉइल, उसे बोलते हैं स्टेम। और फिर वो जैसे वो स्प्राउट जो होता है, मतलब सीड जो होता है, जो जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे वैसी वो लेंथ होती है स्टेम की, वैसे इंक्रीज होती जाती है। और उस पर फिर स्टेम पे नोड्स फॉर्म होते हैं। नोड्स मतलब ऐसे पॉइंट वाइज ऐसे फॉर्म होते हैं और उस पर ऐसे ब्रांचेस उस पर फॉर्म होते हैं प्लांट्स पे, ऐसे होते हैं स्टेम में, और उससे उससे फिर लीव्स फॉर्म हो जाते हैं। और जो पार्ट ऑफ स्टेम जो होता है उस बिटवीन टू नोड्स, उसे बोलते हैं इंटर नोड। और नेक्स्ट है टिप, और उसका एपिकल एंड होता है स्टेम का, टिप या फिर उसका एंड स्टेम का, उसे बोलते हैं बड़। तो ये हो गया स्टेम के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं लीफ के बारे में, लीफ क्या है, कैसे है, उसका डिटेल में हम लोग अभी लीफ के बारे में देखने वाले हैं। लीफ जो होता है वो ग्रो होता है फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम, उससे लीफ ग्रो होता है। तो अभी लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो लीफ आपको पता है सबको, जो झाड़ का जो पत्ता होता है उसे लीफ बोलते हैं। और लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो एकदम थिन होता है और उसका स्ट्रक्चर एकदम ऐसे फ्लैट होता है, आपने देखा ही होगा उसका स्ट्रक्चर फ्लैट होता है और ग्रीन इन कलर का होता है, उसे बोलते हैं लीफ। ये हो गया लीफ का स्ट्रक्चर, उसका सरफेस वगैरह सब। तो ये फिर अभी जो लीफ होता है वो ब्रॉड होता है, उसका एकदम एकदम थिन नहीं होता पूरा, उसका सरफेस होता है उससे बड़ा होता है। और सब जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, सब सेम नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। लाइक आपका कोकोनट का आपने देखा होगा उसका लीफ कैसे होता है, बनियान ट्री का देखा होगा, या फिर कोई भी फ्लावर का प्लांट होगा लाइक हिबिस्कस वगैरह का, उसका लीफ अलग होता है। सबके अलग अलग लीफ के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी का भी सेम नहीं होता। और जो लीफ का जो आउटर लाइनिंग होती है उसे बोलते हैं लीफ ब्लेड या फिर लैमिना भी बोल सकते हैं। और उसका जो एज होता है उसे बोलते हैं लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन सब प्लांट्स का अलग अलग होता है, सबके लीफ अलग अलग उसके मार्जिन्स होते हैं। कोई कोई के लीफ की मार्जिन होती है वो पूरी एंटायरली होती है, कोई कोई की लोब्ड में होती है, सबके अलग अलग होते हैं। मैं यहाँ पे फोटो स्टिक करती जाऊंगी तो वैसे आपको आइडिया आ जाएगा मैं कैसे किस बारे में बता रही हूँ। तो जो टिप होता है लीफ का उसे बोलते हैं लीफ एपेक्स। ये आप फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकते हैं, तो उसको टिप को बोलते हैं लीफ एपेक्स। और वो पूरे कभी कभी वो पॉइंटेड होता है और वो राउंडेड शेप में होता है। और जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के उसे स्टॉक, हैव ए स्टॉक, उस पर स्टॉक होता है ऑलरेडी, और उसको बोलते हैं पेटियोल। अब फोटो स्टिक करूँगी उसमें आप देख सकते हो क्या होता है कैसे होता है। कोई कोई प्लांट्स को लीफ पे पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता, कोई कोई प्लांट्स को पेटियोल प्रेजेंट होता है और कोई कोई को एब्सेंट रहता है पेटियोल। और जो पोर्शन होता है जो अटैच होता है स्टेम को लीफ का, उसे बोलते हैं लीफ बेस। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकते हैं, और उसको बोलते हैं स्टिप्यूल्स भी, उसको बोल सकते हैं स्टिप्यूल्स। फिर जो लीव्स होते हैं कोई कोई प्लांट्स के, वो सिंगल होते हैं और अनडिवाइडेड होते हैं लीफ ब्लेड, उसका डिवाइडेड नहीं होते, अनडिवाइडेड होते हैं और सिंगल उस पर मिडरिप फॉर्म होती है, और ऐसे लीव्स को बोलते हैं सिंपल लीव्स। नेक्स्ट है लीफ ब्लेड जो होते हैं लीव्स के, वो कोई कोई प्लांट्स के डिवाइडेड होते हैं। पहले जो मैंने बोला था वो अनडिवाइडेड था, और ये वाला है वो डिवाइडेड है। और जो डिवाइडेड वाला होता है वो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं लीफलेट्स। और ये जो लीव्स है उसको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। यहाँ पे दो टर्म्स है, एक सिंपल लीव्स है और एक कंपाउंड लीव्स। तो दो मेन टाइप्स के लीव्स होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, सिंपल और कंपाउंड। और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में अरेंजमेंट होती है, अलग अलग स्टेम्स होते हैं सबके, तो वो वैरी करता है, सबके सेम नहीं होते।
पीपल का जो झाड़ रहता है, आपको पता ही होगा, पीपल का जो झाड़ होता है उसका जो पत्ता होता है, लीफ होता है, वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। उसपे सिंगल मिडविन भी फॉर्म रहती है ऑलरेडी, एक सिंगल उसपे मिडविन रहती है लीफ ब्लेड में। सेकेंडरी विंग्स भी उसपे फॉर्म होते हैं मिडविन से, और वो ब्रांच होते हैं और एक वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं या फिर रेटिकुलम फॉर्म करते हैं। और आपने अगर देखा होगा मेज, मेज मतलब आपको पता है भुट्टा, जो मेज होते हैं उसके जो आप अगर आप विंग्स देखोगे तो वो पैरलर शेप होते हैं। पैरलर मतलब आपको पता है ऐसे शेप में होते हैं, और उसके लीफ बेस होते हैं और उसको लीफ एपेक्स भी प्रेजेंट होता है। और पीपल के जो लीफ ब्लेड है वो रेटिकुलेट विनेशन में फॉर्म होते हैं, और मेज के लीफ ब्लेड है वो पैरलर विनेशन में फॉर्म होते हैं। तो ये है दोनों में डिफरेंस। तो ये हो गया, हम लोग ने स्टेम के बारे में देखा और हम लोग ने लीफ के बारे में देखा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।